नमस्कार, प्राग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं यूपी के प्रयागराज जिले में, जहां एसएसपी अजय कुमार की जबरदस्त अपराधियों को वीडियो जारी कर अपराधियों को दिया कड़ा संदेश। अपराध करने वाले को खानी पड़ेगी जेल की हवा, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसा कहना माननीय एसएसपी अजय कुमार जी का क्या कहा वीडियो में, आइए सुनाते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। प्राग एक्सप्रेस न्यूज के लिए क्राइम डिपार्टमेंट हेड शिवानंदन त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। जिला प्रयागराज में ऑपरेशन चक्रव्यूह नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला प्रयागराज के अंदर और बॉर्डर पर, बाउंड्री पर कुल मिलाकर 96 संवेदनशील पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है, जिसमें तिराहे, चौराहे, टी पॉइंट्स शामिल हैं, जहां पर आपराधिक गतिविधियां हुई हैं या हो सकती हैं, ऐसे बिंदुओं को चिन्हित किया गया है। इन 96 पॉइंट्स पर हमारे आदेश के बाद 7 मिनट्स के अंदर पुलिस फोर्स बैरियर और डिप्लॉयमेंट के साथ खड़ी हो जाती है, पूरी तरह सुसज्जित और अलर्ट, और जो भी आदेश मिलता है, जो भी क्रिमिनल्स के पकड़ने के लिए या कोई संदिग्ध वाहन या व्यक्ति कोई जा रहा है उसको पकड़ने के लिए जो आदेश मिलता है, तो 7 मिनट के अंदर ये पूरा चक्रव्यूह एक्शन में आ जाता है और जो भी गतिविधियाँ होती है उस पर लगाम लगाई जा सकती हैं। साथ ही साथ चेकिंग का अभियान भी चलता है और आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई इसमें की जाती है। जो भी नए उम्र के लड़के या क्रिमिनल्स तमंचा, अवैध पिस्टल, बम, गोला बारूद लेके चलते हैं, उनको पकड़ने का यह अभियान है और उनको पकड़ने के बाद आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें ये निर्देश दिया जाता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी महिला को, किसी बुज़ुर्ग आदमी को परेशान ना किया जाए, बल्कि क्राइम की रोकथाम के लिए केवल चेकिंग की जाए, ऐसा आदेश मेरे द्वारा दिया जाता है। सभी लोग इसमें कड़ाई से पालन करते हैं। यह अभियान 29 मार्च 2022 से चलाया गया है, ये आगे भी जारी रहेगा ताकि आम जनता को, आम जनमानस को सहूलियत मिले और जनपद प्रयागराज को गुंडा मवाली तत्वों से, आपराधिक तत्वों से खाली कराया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई क्रिमिनल एक से ज़्यादा अपराध करता है, जघन्य अपराध करता है, तो उसकी हिस्ट्री शीट खोली जाती है और उसकी निगरानी की जाती है। लेकिन इधर बीच मैंने देखा कि थानों के द्वारा की गई निगरानी कमज़ोर थी। इधर विधानसभा के चुनाव थे, होली का त्यौहार था, उसमें निगरानी कमज़ोर रही, जिसके कारण कुछ छिटपुट घटनाएँ भी हुई। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक समर्पित या डेडिकेटेड निगरानी दस्ते का गठन किया है। 40 थाने हमारे पास हैं और 40 थाने में 2-2 की संख्या में तेज तर्रार सिपाही और मुख्य आरक्षी को इसमें चिन्हित किया गया, उनकी तैनाती की गई, उनको एक बढ़िया हालत में जो संचालित होने वाली बाइक्स उनको दी गई, हैंडसेट दिया गया है, मोबाइल फ़ोन दिया गया है, उनको असलहे दिए गए हैं। इस प्रकार से सुसज्जित करके दस्ता तैयार किया गया है, जिसे निगरानी दस्ता का नाम दिया गया है। ये निगरानी दस्ता हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी करेगा, दिन में भी करेगा, रात में भी करेगा। दबिश भी डालने की ज़रूरत होगी तो पर्याप्त पुलिस और पीएसी बल के साथ दबिश भी डालने का काम करेगा। इस पूरे निगरानी दस्ते में 80 जवान तेज तर्रार तैनात किए गए हैं। इनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ये हिस्ट्री शीटों के घर जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके घरों का फ़ोटो खींचते हैं, गली मोहल्ले में उनके बारे में पता करते हैं और सारी सूचनाएं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं। इससे निश्चित रूप से अपराधियों पर दबाव बनेगा, अपराधी क्या कर रहा है, हिस्ट्री शीटर क्या कर रहा है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी, ताकि समय रहते हम उस पर प्रभावी नकेल कस सकें और आम जनता के साथ कोई अपराध घटित ना होने पाए। सर, एक तारीख से माफियाओं और लोगों की जो कब्जे प्लाटिंग, उस पर कार्रवाई होगी, किस तरह से? देखिए, जितने गुंडा मवाली आपराधिक माफिया तत्व हैं, उनको बार बार चेतावनी दी जा रही है कि अपने काली करतूतों से उससे बाज आएँ, नहीं तो उनके ऊपर तमाम मुकदमे लिखे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है और गैंगस्टर एक्ट पुलिस को बहुत पावर देता है, उसमें 14(1) जो धारा है उसके तहत काली कमाई से अर्जित की हुई उनकी सारी संपत्तियों को कुर्क किया जा सकता है, सरकार के पक्ष में अटैच किया जाता है और उनको बेनकाब करके समाज में उनको बेइज्जत होना पड़ता है। ऐसी गतिविधियाँ पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाती हैं, तो इसलिए सारे
ऐसे माफिया तत्वों को सावधान किया जाता है कि वो अपनी हरकतों से बाज आएँ और कतई इस तरह की गतिविधियां ना करें, वरना उन्हें भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उनको बेइज्जती का सामना करने के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी को कतई कोई रियायत नहीं दी जाएगी, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।